तमाड़ थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके से बुंडू महिला थाना पुलिस ने एक दुष्कर्म के आरोपी बालेश्वर महतो को गिरफ्तार कर लिया है। मामला 9 माह पूर्व का है, जब एक नाबालिग के साथ बालेश्वर महतो ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। 9 माह बाद नाबालिग ने 1 मई को एक नवजात को जन्म दिया और मरा हुआ समझकर बुंडू के सीमावर्ती इलाके में फेंक दिया गया। बाद में राहगीरों ने नवजात को करुणा आश्रम पहुँचा दिया। नाबालिग और परिजन को बच्चे की जीवित होने की जानकारी मिली और 5 मई को बुंडू महिला थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। महिला थाना ने अनुसंधान के क्रम में नाबालिग का बयान दर्ज करते हुए कार्रवाई आरंभ की और तमाड़ थाना के सीमावर्ती इलाके से दुष्कर्म के आरोपी बालेश्वर महतो को गिरफ्तार कर लिया। मामला 1 तारीख को एक नवजात बच्चा हेटकाची के पास पाया गया था झाड़ी के पीछे, और उसको बुंडू थाना द्वारा जो है बरामद किया गया। बाद में उसको करुणा आश्रम में CWC की मदद से छोड़ दिया गया। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के क्रम में 5 तारीख को एक महिला हमारे थाना में आई थी, और फिर वो क्लेम कर रही थी कि ये बच्चा जो 1 तारीख को फेंका हुआ पाया गया था वो उनका था। उनका कहना था कि इसको मरा हुआ समझ के हम लोग फेंक दिए थे, और उन्होंने बताया कि उनके साथ में बलात्कारी घटना अगस्त के लास्ट हफ्ते में घटित हुई थी। इस संबंध में एक महिला थाना कांड संख्या 5/20 जो है दर्ज किया गया था। उसी के अनुसंधान के क्रम में उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि उन्हीं के गाँव बगल गाँव के रहने वाला एक लड़का बालेश्वर महतो है, जो उनके द्वारा जो है ये घटना कारित किए हैं। अनुसंधान चल रहा था और आज दिनांक इतना कुछ छापेमारी के क्रम में इनकी गिरफ्तारी